मुझे गुरदासपुर से डर लगने लगा है। जी हाँ, सनी देओल को आजकल गुरदासपुर का डर सताने लगा है। आखिर क्यों, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ शशिप्रिया और आज हम मुद्दे की बात में ये बात करेंगे कि आखिर सनी देओल को किसका डर सता रहा है। गुरदासपुर से चुनावी मैदान में है सनी देओल और उस वक्त वो अब कह रहे हैं कि वो उन्हें डर लगने लगा है। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से उन्हें गुरदासपुर में डर सता रहा है। चलिए इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं और शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम मुद्दों की बात दर्शकों के साथ। और इसमें ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और चूँकि ये मुद्दा बहुत अहम है, सनी को डर सताने लगा है, अब चूंकि अंतिम चरण बाकी है और ऐसे में सनी का डर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, गुरदासपुर की बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण सीट है। अगर आप देखें तो ठीक है, देश में बहुत सारी सीटों पे इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है और अब 19 में लास्ट इलेक्शन है। लेकिन गुरदासपुर को ज़रा आप करीब से देखिए, गुरदासपुर वो जगह है जहाँ से करतारपुर के लिए भी एक पाकिस्तान और भारत की दूरी घटाने की बात चल रही है। तो क्या गुरदासपुर में ये सब मुद्दे हैं, क्या इनसे डील कर पा रहे सनी देओल? सबसे उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रत्याशी उनके सामने खड़े हैं, ज़रा उनको आप देखिए। उनका नाम है सुनील जाखड़, जो उपचुनाव में 5 लाख मत हासिल करते हैं और 2 लाख मतों से बीजेपी के प्रत्याशी को हरा देते हैं। यानी कि कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, पुराने हैं और जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं, नेता हैं। उनके मुकाबले सनी को उतारना, उनके मुकाबले जो नौसिखिया सनी देओल लगातार कहते भी रहे कि भाई मुझे राजनीति नहीं आती, और नहीं आती फिर भी आप इतने बड़े योद्धा के सामने चुनाव में उतर गए हो, तो ये सरगर्मियों का मुद्दा तो हो ही गया। क्योंकि अगर आप देखें तो इस सीट से विनोद खन्ना चुनाव लड़ते रहे और यही को देखते हुए शायद जो सनी देओल का नाम लेकर आया गया कि सेलिब्रिटी के नाम पर जो गुरदासपुर के लोग हैं वो मत देने आएंगे, वो वोट देने आएंगे। लेकिन क्या अब वो सीन बन पा रहा है? क्योंकि जिस तरह सनी देओल की यूँ कहें कि हालत उतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही जो आप शुरू में जब जोश में थे पूरा, और तमाम आसपास सीटों पर भी जगह चुनाव प्रचार कर रहे थे लेकिन शायद अपनी सीट को भूल गए थे। आपको याद होगा जी कि धर्मेंद्र ने भी, जो उनके पिता है, उन्होंने कहा कि अगर जाखर खड़े होते तो हम शनि को वहां से चुनाव नहीं लड़ने देते। इसका क्या है? हाँ, देखिए, एक जाट एंगल भी है कहीं ना कहीं, जिस तरह से सनी देओल को लेकर जाया गया है वो एक जाट एंगल भी कहीं ना कहीं है। लेकिन सुनील जाखर जिस तरह से सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो ये एक हालत पतली करने जैसा हो गया सनी देओल के लिए। क्योंकि भले ही वो बॉलीवुड से आते हैं, सेलिब्रिटी हैं, बड़ा नाम है, और अब ये तक उनकी रैलियों में हमने देखा कि नल लोग लेकर जा रहे हैं तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं। रमेश भिदोड़ी बोल रहे हैं कि सनी देओल पाकिस्तान में घुस गए थे लेकिन वो पाकिस्तान तो लखनऊ में था, उनको ये पता ही नहीं है। तो यानी कि आप फिल्मों से देशभक्ति का आंकलन नहीं कर सकते, वो कमर्शियल एंगल है। आपने जमीन पर क्या किया उसके ऊपर बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसके ऊपर बात ना होकर उनकी जो एक फिल्मों में जो इमेज है उसको कैश करने की कोशिश की गई और जमीनी स्तर पर ये नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो जमीनी स्तर पर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सनी का ये डर, क्या सनी के लुटिया डुबोएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये हम नहीं कह रहे, सनी ने खुद एक बयान दिया है एक टीवी चैनल को और उसमें कहा कि मुझे गुरदासपुर से डर लगने लगा है कि जो उम्मीदें जनता की हैं या फिर जो उम्मीदें पार्टी की हैं, क्या मैं वो हासिल कर पाऊंगा। देखिए, जरा आप गौर से देखिए कि सनी देओल के पक्ष में अभी तक कितने लोग बॉलीवुड से पहुंचे हैं वहां पर, ये क्या बताता है कि देखिए आपको कहीं ना कहीं गुडविल भी मेंटेन करनी पड़ती है कि जब एक चुनाव क्षेत्र से आप आ रहे हैं तो आपके पक्ष में कितने लोग आपका प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ा फर्क पड़ता है, जब चुरू में वो गए थे और वहां पर उनके खिलाफ जिस तरह से अमीषा पटेल नजर आई, आफताब नजर आए और कुछ और बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहां पर नजर आए, यानी कि आप अकेले नजर आ रहे हो और ये मेरे ख्याल में उतना बेहतर नहीं है एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए। इतना समय आपने बॉलीवुड में दिया, मेरे ख्याल से तो अब तक तो बॉलीवुड का हुजूम वहाँ पर उमड़ पड़ना चाहिए था अगर उनके पक्ष की बात करें, लेकिन वो नज़र होता हुआ नहीं आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए, जिस प्रत्याशी के खिलाफ वो खड़े हैं वो इतने लोकप्रिय हैं जमीनी स्तर पर कि उनको उनका मुकाबला करने के लिए आपको कम से कम 1-2 साल पहले आना चाहिए था ताकि आप जमीनी स्तर पर उन चीज़ों को तैयार कर पाते। आप 4 दिन पहले पार्टी में शामिल होते, उसके बाद तुरंत आपको टिकट मिलता है, गुरदासपुर आप पहुंच जाते हो। तो ये कोई फिल्म का की कहानी नहीं है कि आप के लिए सब याद किया और कैमरे के सामने सब कुछ कर दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पर एक्शन रिटेक नहीं होता है, यहाँ पर फैसला जनता को करना है। तो ऐसे में अब एक और सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि सनी देओल चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने कई अहम मुद्दे भी हैं, जैसे कि सनी ने खुद कहा था अमन कि गुरदासपुर जो है वो पंजाब के कुछ क्षेत्र में और वहां पर जो युवा हैं वो मादक पदार्थों
यानी कि ड्रग्स तमाम चीजों की चीजों में है तो जी, वो दूर करना उनके लिए बहुत बड़ी संकट वाली बात होगी, ये खुद उन्होंने कहा। बिल्कुल बात होगी। और देखिए जिस तरह से विनोद धर्मेंद्र के लिए कहा जाता था बीकानेर से वो चुनाव लड़े कि वो भी अपने क्षेत्र में उतना नहीं गए, हेमा के लिए भी ठीक इसी तरह की बात की गई, तो अब क्या सनी देओल के ऊपर वो टैग नहीं लगाए? शायद लगाए, तभी तो लोग कह रहे हैं कि शायद अगर जिताते भी हैं तो ऐसा ना हो मुंबई जाकर बैठ जाए तो हमारी समस्या ऐसे सुनेगा कौन। तो जरूरी यही है कि आप जिस भी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उसकी जनता को तो आप जानिए, उसकी जनता के बीच में जाकर तो आप काम कीजिए। आप तुरंत आते हैं, तुरंत बोलते हैं कि भाई भाजपा ने मुझे भेजा है, मैं आपका प्रत्याशी हूँ, ऐसे कैसे आप प्रत्याशी हैं? जरा आप काम तो करिए। वहाँ पर जो कविता खन्ना है वो पूरी तरह से लगे हुए, सवर्ण वहाँ पर लगे हुए, जो हारे थे जो है सुनील जाखड़ से लगभग 2 लाख वोटों से, यानी कि उनको भी 3 लाख वोट मिला है, तो आप उनको दरकिनार कैसे कर सकते हो? तमाम सवाल हैं और जवाब फिलहाल भी कोई नजर नहीं आ रहा है। चलिए, तो जवाब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सनी देओल की जो बातें निकल कर सामने आ रही है अमन, वो कई इशारे जरूर कर रहा है। सनी देओल ने जिस तरीके से ये बात कही कि मूवी भी बनी है पंजाब पर, उड़ता पंजाब, और क्या मैं युवाओं को जो देश के भविष्य हैं उन्हें उस जद से निकाल पाऊंगा जिस जद में पंजाब घिरा हुआ है? तो देखिए ये मैं वही कह रहा हूँ कि फिल्मों के मैं बड़ा आसान लगता है सब करना। मुझे दामिनी का उनका उनका एक फिल्म में उन्होंने एक वकील का रोल प्ले किया था, मुझे वो याद आ रहा है, वो शराबी का रोल प्ले करते हैं, वकील होते हैं। तो यानी कि ये फिल्मों में सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर आप सिर्फ डायलॉग बोलकर ये नहीं कह सकते कि भाई मैं आऊँगा और सारे युवाओं से इस तरह की जो जिस लत में वो फंसे हैं उनको बाहर निकालूँगा, उतना आसान नहीं है, वो भी जानते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि बैन तो कुछ ना कुछ करना ही, काम तो कुछ ना कुछ अपना शो करने के लिए कुछ ना कुछ बोल रही है, तो जमीनी स्तर पर वो चीज़ निकल कर सामने नहीं आ रही जिस पे लोग बिलीव ज़्यादा कर सकें। और ये एक कमी खुद ब खुद सनी देओल भी समझ रहे हैं और धर्मेंद्र भी समझ रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर उन्हें पता होता सुनील जाखड़ वहाँ से खड़े हैं तो शायद वो सनी को वहाँ पर खड़ा नहीं करते। उससे बड़ी बात कि क्या सनी देओल बस यूं ही राजनीति में उतर आए? क्या पीएम मोदी का चेहरा देखकर राजनीति में उतर आए? उनका खुद का भी तो अपना एक कद है, एक गुरदासपुर का अगर उनको चुना जाता है तो वहाँ के सांसद होंगे, क्या उन्होंने उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे कुछ पढ़ाई की है, उनके ऊपर रिसर्च किया है? नहीं शायद। तो ये सब ये दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ कहने पर उतर आए हैं, और क्या ये उनके लिए भारी नहीं पड़ेगा, ये चुनाव में साफ हो जाएगा। चलिए, तो पीएम नरेंद्र मोदी भी उनको लेकर काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि उनके टीम में एक बेहतरी की वो बात कर रहे थे, लेकिन ये बेहतरी क्या वाकई में हो पाती है, क्या उम्मीदों पर खड़े उतर पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और चूंकि लगातार बातें उठ रही हैं तो ऐसे में एक सवाल ये भी कि जो मैनेजमेंट किया गया होगा बीजेपी की तरफ से, उस मैनेजमेंट में क्या वाकई खड़े उतर पाए होंगे? वैसे तो तमाम आप देख रहे हैं कि चाहे वो हिंदी फिल्म हो या फिर भोजपुरी फिल्म हो, तमाम सितारों को जमीन पर ला दिया। देखिए, इवन ये तक आरोप लगे कि उनकी फिल्मों को टीवी पे लगातार दिखाया जा रहा है ताकि सनी देओल की छवि बन सके लोगों के बीच में। देखिए, वो एक अलग मसला है। अगर आप जरा जमीनी स्तर पर गौर करिए, कहाँ है सवर्ण, कहाँ है कविता खन्ना, कहाँ समर्थन में उनके नजर आ रहे हैं, कहाँ उनके साथ में उनके समर्थन रैली करते हुए नजर आ रहे हैं? सनी देओल बिल्कुल अलग थलग से पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि और देखिए कल लास्ट दिन भी है प्रचार का, तो क्या उनके पक्ष में कोई बीजेपी का बड़ा नेता वहाँ पहुँच रहा है? क्या पीएम मोदी जो उनसे इतना उम्मीद रख के बात कर रहे थे कि बड़े सौम्य हैं, बड़े स्वभाव के नरम हैं, कि हम वो उनके पक्ष में पहुंचे हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर बात की जा सकती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सनी देओल मझधार में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि शायद जल्दबाजी में लिया हुआ उनका फैसला है। और अब जब देख रहे हैं सामने कि सुनील जाखड़ मौजूद हैं, वो बड़े नाम है, बड़ा प्रत्याशी है, उनकी कोई काट उन्हें सूझ नहीं रही है, तो घबरा गए हैं। और आखिरकार जो दिल में थी वो जुबां पर निकल ही आई, और सनी देओल ने कह दिया कि शायद मैं उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाऊंगा, मुझे डर लगने लगा है गुरदासपुर से। अब गुरदासपुर में जिस तरीके से चुनावी प्रचार ये कर रहे थे, एक महिला पहुंच गई और उनके पास पहुंच गई और वो भी काफी कुछ हुआ हंगामा, तो इस तरीके की बातें आ रही हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि अभी आपने कहा कविता है और इसके अलावा सवर्ण है, ये लोग अगर चाहते और उनके लिए प्रचार करते तो शायद एक जो छोटी सी वोट बैंक या जो भी होता, नहीं, एक वोट भी ज्यादा होता है। विनोद खन्ना 4 बार जीते यहाँ से, वोट बैंक तो है, ऐसी बात नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सवर्ण सलारे की बात करें तो उनको भी 3 लाख, लेकिन कविता खन्ना की नाराजगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर जरूर दिखाई बात है, क्योंकि कविता खन्ना ने साफ तौर पर कहा कि भाई वो टिकट की दावेदार थी, आखिर आपने उनको
टिकट क्यों नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो सनी देओल ने क्या किया क्षेत्र के लिए वो तो बताइए कुछ, और नहीं किया है तो आपने उनको टिकट किस वजह से दिया, बहुत सारे सवाल उठ कर आए। लेकिन हाँ देखिए, जनता बहुत कुछ समझती है, जनता बहुत कुछ देखती है, और क्या वो फैसला अब सनी देओल के पक्ष में करेगी, क्या वो सनी देओल को अपना प्रत्याशी के रूप में मंजूर करेगी, ये तो 23 तारीख को पता लगा। लेकिन जिस तरह की हवा शुरू में सनी देओल अगर बंदी वो शायद अब कम होती हुई नजर आ रही है, उसका उतना इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। और ये बात शायद सनी देओल और धर्मेंद्र भी समझ चुके हैं कि जिस लिए या जिस काम के लिए वो वहां पर गए थे वो शायद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, जुमा जुमा चार दिन में आप राजनीतिक गुण नहीं सीख सकते, राजनीति की जो पकड़ है वो मजबूत नहीं कर सकते, और आप सिर्फ चेहरा दिखाकर राजनीति नहीं कर सकते। क्योंकि विनोद खन्ना अगर 4 बार जीते तो उन्होंने जरूर उस क्षेत्र में काम किया होगा, जनता ने तभी उनको 4 बार जिताया है। तो ऐसे में पहले आपको समझना पड़ेगा, जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप आएंगे तो जनता आपको जरूर एक्सेप्ट करेगी। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि जो डर सता रहा है उस डर का क्या होगा, क्या वाकई डर के आगे जीत है या फिर कुछ और। बहुत बहुत शुक्रिया अमन। अमन जी हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की। काफ़ी अहम मुद्दा था कि आखिर सनी को डर क्यों सता रहा है, और डर सताने का कारण भी है कई वरिष्ठ लोग हैं जो वहाँ पर उनके विरोधी हैं, और ऐसे में क्या होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए, इसका इंतज़ार हम सभी को है, 23 मई को तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठ जाएगा कि क्या वाकई सनी का जो डर है वो वहाँ पर हावी हो रहा है या फिर जनता कुछ और सोच रही है। तो चलिए, हम और आप दोनों करते हैं इंतज़ार, और हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिल सके ताज़ा खबरें। नमस्कार।